इसी तरीके से कुरान में एक और जगह पे अल्लाह सुब्हान तआला ने रियाकारी और दिखावे की जो हलाकत है उसका जिक्र किया। सूरह अल माउन में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए कि जो नमाजें पढ़ते हैं, जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं और जो रियाकारी करते हैं। अब इस आयत को, इन आयत को अगर इकट्ठा किया जाए तो एक तरफ तो ये हो सकता है कि कोई एक ऐसा करैक्टर है जो कि अपनी नमाजों से भी गाफिल है और साथ रियाकारी भी करता है बाकी आमाल में, और अगर इन सब को, इनको, इन आयत को मिला लिया जाए तो उसका मतलब क्या है कि वैल है ऐसे लोगों के लिए जो अपनी नमाजों से भी गाफिल हैं और रियाकारी भी करते हैं। यानी अगर अव्वल तो नमाज पढ़ते ही नहीं, और अगर नमाज पढ़ भी लेते हैं गफलत से पढ़ते हैं, और जो गफलत से भी पढ़ते हैं उसमें भी रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? वैल है। और वैल के बारे में एक तो ये तर्जमा आता है कि हलाकत है ऐसे लोगों के लिए, और एक इसके बारे में इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने इसकी तफसीर में लिखी है, एक रवायत मेंशन की है, वो क्या है कि वैल जो है वो जहन्नुम की वादियों में से एक वादी है जिससे जहन्नुम भी दिन में 400 मरतबा पनाह मांगती है। यानी आप समझें कि जहन्नुम के भी वर्स हिस्सों में से एक हिस्सा है, कि ऐसा खौफनाक हिस्सा है वो कि जिस हिस्से को देख के जहन्नुम भी पनाह मांगती है कि भाई यहां पर ना जाना पड़ जाए। ये किन लोगों के लिए है? इस आयत से क्या पता लग रहा है? फवैलुन लिल मुसल्लीन। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि हलाकत है ऐसे लोगों के लिए जो नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हलाकत है ऐसे लोगों के लिए जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन गफलत से पढ़ते हैं। गफलत से पढ़ने का मतलब क्या है कि नमाजों को डिले कर दिया, एहतमाम से ना पढ़ा, वुजू पता नहीं सही तरह से किया है कि नहीं किया, बस पढ़ लिया, और पढ़ते हुए जो है वो जो पढ़ रहे हैं वो अल्फाज सही तरीके से अदा किए यानी कि कोई पता नहीं, रुकू करते हैं तो रुकू सही नहीं किया, सजदा करते हैं तो सजदे में जल्दी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गफलत में आती हैं, और इसी तरीके से नमाज पढ़ते हुए फोकस कहीं और है, दिमाग और दिल कहीं और लगा हुआ है। अल्लाह सुब्हान तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो ये उन नमाजियों के लिए हलाकत है। और फिर उसके साथ साथ क्या है कि जो रियाकारी करते हैं, जो लोग भी दिखावा करते हैं उसमें, किसी भी अमल में, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, जो किसी अमल में भी दिखावा करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए अमाल करते हैं, तो ऐसे शख्स के लिए क्या है? वैल है, जहन्नुम की एक ऐसी वादी है जिससे जहन्नुम भी दिन में 400 मरतबा पनाह मांगती है। तो ये हलाकत है दिखावा करने वालों के लिए, जो कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जिसका जिक्र कुरान में किया। इसी तरीके से एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सल्ला बहुवा युराई फ़कत अशरका, मन सामा बहुवा युराई फ़कत अशरका, मन तसद्दका बहुवा युराई फ़कत अशरका। जिस शख्स ने भी दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बड़े आमाल का जिक्र किया इस हदीस में, नमाज, रोज़ा, सदका। अब ये कर रहा है, यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कह रहे कि ये आमाल कर नहीं रहे, आमाल तो कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहा है लेकिन दिखावे के लिए कर रहा है, तो अल्लाह के नज़दीक क्या उसने शिर्क किया है? नमाज पढ़ के उसने शिर्क किया। रोज़ा रख रहा है लेकिन अल्लाह के लिए नहीं रख रहा, लोगों को दिखाने के लिए रख रहा है, इसने शिर्क किया है। और सदका कर रहा है लेकिन अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, तो इसने शिर्क किया है। इतने बड़े बड़े आमाल करके आप सोचें, एक शख्स नमाजें भी पढ़ रहा है, रोज़े भी रख रहा है, सदका भी किए जा रहा है और बेशुमार सदका करता है, और अपनी तरफ से मुतमईन बैठा हुआ है कि मैं बड़ा नेक साले हूं, लेकिन नीयत में खोट है, इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, इसलिए नहीं कर रहा कि मैं अल्लाह के चेहरे को जो है मरने के बाद देख लूं, इसलिए नहीं कर रहा कि मैं क्यामत वाले दिन जब पहुंचूं तो मेरे नेक आमाल, नामे आमाल में जो है मेरी नेकियां लिखी हुई हों। नीयत क्या है? लोगों की तारीफें मिल जाए, लोगों में वाह वाह हो जाए, लोग कहना शुरू कर दें बड़ा नमाजी है, लोग ये कहें कि अभी माशाल्लाह तबारकअल्लाह ये 4 साल से 5 साल से इसकी तहज्जुद नहीं मिस हुई, लोग ये कहें कि जी ये बड़ा सखी है, बड़ा सदका करने वाला है, बड़े खुले दिल का बंदा है, तारीफें। और ऐसे आज हम तारीफों के गुलाम हुए हैं। वल्लाही मैं अपने इर्द गिर्द भी कभी बैठूं या डिस्कशंस होती हैं तो मैं कभी कोई परेशान हो जाता हूं
हर बंदे का फोकस ये होता है डिस्कशंस में कि किसी तरीके से बस मैं ऐसी बातें करूं, ऐसा टॉपिक करूं कि जिसमें सिर्फ मेरी तारीफें होती रहें, मैं बैठूं और लोग मेरी तारीफें करते रहें, मेरी बातें सुनते रहें, अपने से अलावा किसी और चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं होता। इतने हम तारीफों के गुलाम बन चुके हैं कि हम टॉपिक्स भी वो पिक करते हैं जिसमें हमारी तारीफ हो, हम सिचुएशंस भी वो क्रिएट करते हैं जहां पे फोकस हमारे ऊपर हो। तो ऐसा शख्स जो जिंदगी इस तरीके से गुजारता है तो असल में तो वो गुलाम है, वो अपनी ख्वाहिश का गुलाम है, अपने नफ्स का गुलाम है, और तारीफों का गुलाम है, और लोगों की तारीफों का गुलाम है। और ये नेक आमाल करके भी अपने आमाल जाया करता है। इसके नेक आमाल, इसकी नमाजें, इसका रोजा, इसकी हज, इसकी जक़ात, इसका सदका क़यामत वाले दिन इसके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए सब आमाल कर रहा था। तो अल्लाह के रजा की खातिर अगर अमल नहीं किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पे बता दिया कि ये शख्स शिर्क कर रहा है।